पाई नहीं तू तो। अवंतिका, हाँ काकी। अवंतिका बेटा, वो दुर्गा घर नहीं पहुंची अभी तक। काकी वो चलकर आ रही होगी, हमको वो स्कूल बस में भी नहीं दिखी और उसके बाद जो बस स्टैंड है वहाँ पर भी हमको नहीं दिखी। शायद उसको देरी हो गई होगी और बस छूट गया। चलते हैं काकी, देर हो रही है। सुनिए, अरे सुन रहे हैं, दुर्गा अभी तक घर नहीं आई और वो अवंतिका बता रही थी कि उसका बस छूट गया है। अरे चल के आ जाएगी। अरे चल कर का आती तो अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था ना अभी तक उसको। अपने किसी सहेली के साथ खेल रही होगी, आज उसको काम पे आने का मन नहीं होगा। अरे वक्त देख रहे हैं, इतना देर हो गया है, खाली पेट कितना देर खेलेगी वो। अब जाइए ना, देख के आइए ना। ठीक है, हम जाके देखते हैं, तब तक तुम मेरे हिस्से का भी काम खत्म कर देना। हाँ ठीक है, आप जाइए। अरे जाइए ना। बिलासपुर गांव में ज्यादातर लोग खेतों में मजदूरी का काम करते थे। उनके बच्चे सुबह स्कूल जाते और दोपहर में स्कूल से लौटने के बाद अपने माता पिता के साथ मिलकर खेतों में काम किया करते थे। साल 2016 का ये दिन, जब लक्ष्मण करिया और राधा करिया की बेटी दुर्गा करिया घर वापस नहीं लौटी। उस दिन स्कूल से जाने वाली वो एक ही बस जो स्कूल के पास से उसके गांव विलासपुर जाया करती थी, वो बस दुर्गा करिया से छूट गई। अरे चंदू, हमारी बिटिया दुर्गा अभी घर नहीं पहुंची। दुर्गा तो यहाँ से जा चुकी है। हाँ, उसको थोड़ी देर हो गई थी लेकिन वो निकल गई। भाई एक बार स्कूल के अंदर जाकर देख लो ना, कहीं मैडम ने तो नहीं रोक लिया उसको। लक्ष्मण भाई, हमने उसको यहाँ से जाते हुए देखा। ऐसे होते हुए वो बस स्टैंड की तरफ गई थी। लेकिन बस तो गांव में आके बहुत पहले जा चुकी है। वो अवंतिका जो यहाँ पढ़ती है ना, उसने बताया कि दुर्गा की बस छूट गई थी। तो हमको नहीं पता लक्ष्मण भाई। हाँ लेकिन इतना पता है कि वो जा चुकी है। हाँ देखे थे हम उसको, बस जाने के आधा पौना घंटा बाद दुर्गा बेटिया यहाँ से तो गई थी। कितना बजे मुकेश? यही कोई 2:15 बजे होंगे। सवा 2 बजे? हाँ कहें, बिटिया अभी घर नहीं पहुंची क्या? ना। अरे देखिए, यही कहीं गांव में खेल रही होगी। दिन से ढूंढ रहे हैं, ऐसे बैठे हम लोग। वो देखो बोर्ड पे, हमारी बेटी दुर्गा ही है ना, इसका फोटो हर जगह भिजवा दिया है। शामपुर, बैरीखेड़ा, साइराबाद शहर में भी भिजवा दिया फोटो। 10 साल की बच्ची है हमारी, 2 दिन हो गए उसको गायब हुए। मुकेश भैया ने कहा था कि उन्होंने दुर्गा को गांव के रास्ते जाते हुए देखा था। हाँ हमको भी यही बताया उस चाय वाले मुकेश ने। अब हवा में से निकाल कर तो नहीं ला सकते ना तुम्हारी दुर्गा को। हमने स्कूल में जाकर भी पूछताछ की थी, बड़े साहब भी साथ में थे। जी हाँ सर, दुर्गा स्कूल आई थी 13 अक्टूबर को, जैसे गांव के और बच्चे आते हैं उनके साथ आई थी, और वो स्कूल से गई भी थी। हाँ थोड़ा लेट हो गई थी, ये बात हमारे चौकीदार चंदू ने बताई थी। चंदू ने उसके माँ बाप को भी यही बताया था। लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटी, बच्ची के साथ कुछ दिक्कत था क्या? होगी भी तो स्कूल से रिलेटेड नहीं हो सकती, क्योंकि घर के लिए वो स्कूल से निकली थी। इंस्पेक्टर साहब, स्कूल में किसी टीचर ने डांटा वाटा बच्ची को, कुछ होमवर्क वगैरह ना किया उसने? ऐसे डांटेंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो घर जाने की बजाय कहीं और चली जाएगी। पर उस दिन दुर्गा घर तो नहीं पहुंची। अब कितनी बार बताएं साहब, दुर्गा बेटियों की यहाँ से यहाँ इस तरफ गांव की तरफ जाते हुए देखा, घर जाते देखा, तो वो लड़की अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? साहब ये हम कैसे बता सकते हैं।
उसके पीछे किसी को जाते देखा था? नहीं, इतना ध्यान तो नहीं दिया। इस लड़की के साथ कोई छेड़खानी वगैरह करता था क्या? अब ये हमको कैसे पता होगा साहब? उसके माँ बाप को पता होगा, उनसे पूछिए या गाँव में किसी से पूछिए। पूरे गांव वाले पहले ही मिलकर दुर्गा को 13 तारीख की शाम और सारी रात यहां ढूंढ चुके। चल। तीन बार पूरा एरिया छान मारा, ना कपड़ा मिला ना स्कूल बैग मिला, कुछ भी नहीं मिला सर। अगर लड़की की लाश होती सर तो दिख जाती। लड़की उधर से मुड़कर इस रास्ते पे आई और इधर से गांव तो 15-20 मिनट की दूरी पर है, बीच में इधर से कैसे गायब हो गई? और गायब हुई तो गई कहाँ? सर मुझे लगता है लड़की गायब हुई नहीं है, गायब करा दी गई। मतलब? लक्ष्मण, हम पूरा जोर लगाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी बेटी उस रास्ते तक पहुंचकर वहां से गायब कैसे हो गई। और गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है तुम्हारी? हमारी कैसी दुश्मनी साहब, दोनों बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। दुर्गा भी स्कूल के बाद ना खेत में काम करने आती थी हमारे साथ। देखो, तुम लोगों की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि किसी ने उसे पैसों के लिए अगवा किया हो। और सर, अगर अगवा किया भी होता तो कहीं से तो लेकर जाता उसको। अगर कोई जोर जबरदस्ती हुई होती तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज तो आती है कि नहीं? फिर कहाँ गई हमारी बच्ची? हाँ, तुम ही सोचकर बताओ, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? हम तो फिलहाल उसे ढूंढ ही रहे। हम पुलिस पर दबाव बनाएंगे लक्ष्मण, पर एक बात तो सही है, अगर दुर्गा बिटिया के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई हो तो उसने शोर कैसे नहीं मचाया? अवंतिका, बरखा, अरे स्कूल में कुछ हुआ था क्या? नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ दुर्गा को देर हो गई थी और उसकी बस छूट गई। कहा मुकेश, तुमने सही में देखा था दुर्गा गांव के अंदर आते हुए? अरे ये कैसा सवाल है सुनील बाबू, देखे नहीं होते तो इस लक्ष्मण को ऐसे ही बता देते का? सरपंच जी, हमको तो लगता है ना कि कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा और खा गया होगा। अरे अर्जुन, अगर जंगली जानवर कोई हमला करता तो वहाँ स्कूल का बस्ता कपड़ा कुछ तो मिलता। घर में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था लक्ष्मण? कैसा झगड़ा? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, और ऐसा कैसा झगड़ा कि वो आधे रास्ते से घर न पहुंचे। अब पुलिस वाले भी बार बार हमें पे दबाव डाल रहे कि हमारे दुर्गा खुद ही कहीं भाग गई। अरे 10 साल की बच्ची है, अपनी मर्जी से काहे कहीं जाएगी? सरपंच जी, हमको तो लगता है अपने गांव का ही कोई है जिसने कुछ किया है। लो कर लो बात, सरपंच जी गांव की बच्ची गायब हुई है और ये अनिल रेवारी गांव के लोगों पे ही उंगली उठा रहा है। लोकेश, तू गांव के लोगों को शहर ले जाकर मजदूरी का काम दिलवाता है, तूने तो कोई दुर्गा के साथ ऐसा वैसा का मतलब? सरपंच जी, आप हम पे शक कर रहे हैं? अरे जिसको काम की जरूरत होती है उसको हम मजदूरी का काम दिलाते हैं, काम नहीं रहता है ना तो लोकेश है, किसी की बच्ची को जबरदस्ती उठा के काम पे लगाए हैं क्या आज तक? हाँ तो कर सकते हो ना तुम ऐसा? अरे तो जाके बता दो ना पुलिस को। हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ेंगे झगड़ेंगे तो पुलिस खाक ढूंढेगी बच्ची को। अरे हमारी बच्ची लापता हुई है, कल सब इकट्ठा होकर के थाने चलते हैं और एकजुट होकर के पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं दुर्गा को ढूंढने का। सही बोल रहे हैं आप। वहां गांव में हर घर में दिवाली मनाई जा रही थी, हर घर दिए से सजा हुआ था, पटाखे फूट रहे थे। गांव के हर घर के बाहर रंगोलियां बन रही थीं, लेकिन दुर्गा के घर एक उदासी भरा अंधेरा छाया था। क्या बोले पुलिस वाले?
कुछ पता चला दुर्गा का? वही बात राधा, कि ढूंढ रहे हैं उसको। अरे 2 हफ्ते से ढूंढ ही रहे हैं। माँ, दुर्गा दीदी कहीं भाग तो नहीं गए? कहाँ भाग गई राजू? कुछ बताया था वो तुमको? नहीं। फिर काय बोल रहा है ऐसे? लक्ष्मण, ये बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अपनी बेटी को कहीं भेज दिया हो? क्या बेटी की बात कर रहे हैं आप? अब आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं? तेरी बेटी बिना शोर किए गायब हो गई, कोई जोर जबरदस्ती हुई नहीं उसके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही उसके साथ कुछ किया हो? क्या बोल रहे हैं आप? हैं पगला क्यों? साले तूने ही कुछ किया उसके साथ और यहाँ आके छोटी कंप्लेन लिखवा रहा है? ढूंढ नहीं पा रहे हो हमारी बच्ची को तो किसी पे कुछ भी इल्जाम लगाओगे? ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि तूने ही उसके साथ कुछ किया है, तूने ही कहीं से गायब करवाया है। आप हमारी बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहे हो और अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस पर जो मर्जी इल्जाम लगाओगे। अरे हमारी बच्ची है वो। ए लता, हम सुने हैं पुलिस कह रही है कि दुर्गा को उसके पापू ने गायब करवाया है। खा? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण भैया ऐसा काहे करेंगे? क्या मालूम। अच्छा, हम तो ये भी सुने हैं कि वो जो लोकेश है ना। कौन लोकेश? अरे वही लोकेश जो लोगों को शहर में काम दिलवाता है। हाँ। उसी लोकेश ने दुर्गा को कहीं भेज दिया होगा। ए मुकेश, बाबू थोड़ा मलाई मार के बढ़िया चाय बनाओ तो। आपकी मलाई वाली चाय बनाते हैं? वो जो अपना चाय वाला ना मुकेश, वो भी झूठ बोल रहा है। अर्जुन बता रहा था हमको। कहाँ पे अर्जुन? तुमको बहुत कुछ पता है कि दुर्गा कैसे गायब हुई? हाँ सुनील भाई, हम तो सुने सब मिली भगत है। मतलब दुर्गा के बाप लक्ष्मण की? हाँ, हम तो ऐसा भी सुने हैं कि लोकेश के साथ मिलकर ना अपनी बेटी को कहीं काम पे लगा दिया है और बैठ के अभी नाटक कर रहा है। आप देखिए, हमको पक्का तो खबर नहीं है लेकिन जो भी हम सुने हैं वही बता रहे हैं बस। अबे जब तुमको पक्का पता नहीं है तो ढिंढोरा काय पीट रहे हो बे? एक तो लड़की गायब है और पुलिस कुछ कर नहीं रही है और तुम पूरे गाँव भर में घूम घूम के ना झूठी अफवाह फैला रहे हो। साले दिमाग सही रखो, नहीं बाबूजी इसके के ना तुमको गांव के बाहर ही करवा देंगे। अरे नहीं सुनील भाई, देखिए गांव से मत निकलवाइएगा, लेकिन हम तो सुने हैं कि लक्ष्मण बहुत हंगामा किया है पुलिस थाना में। अब पुलिस को पूरा शक है कि लक्ष्मण ने ना अपना बेटी को कहीं भेज दिया है, नहीं तो बेच दिया है। अब बैठ के नाटक कर रहा है। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं ना तो ना कुछ सुनेंगे ना कुछ बोलेंगे, अपना कान मुंह दोनों बंद कर लेंगे। हाँ चलो निकलो। सरपंच जी, हमने दुर्गा की फोटो हर जगह भेजी है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई हमारे पास। और आप लोग लक्ष्मण पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि उसी ने अपनी बच्ची को कहीं भेज दिया होगा? अब आप ही सोचिए, एक लड़की स्कूल से निकलती है, गांव के रास्ते तक आती है लेकिन वो घर नहीं पहुंचती, ना ही किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी है और ना कोई ऐसी बात जो किसी और की तरफ इशारा करे, तो जाहिर है कोई जान पहचान वाला ही होगा। जोर जबरदस्ती हुई होती या कुछ गलत हुआ होता तो आज 1 महीने बाद भी दुर्गा के बारे में क्या हमें कुछ पता नहीं चलता? साहब गांव की बच्ची है, ऐसा तो है नहीं कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसको। रोज की तरह स्कूल गई, दोपहर को उसकी बस छूट गई। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है पर ये बच्ची घर नहीं लौटी। ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब, ढूंढिए। बिल्कुल सरपंच जी, हमने उसे ढूंढना बंद नहीं किया है, हमारी तलाश जारी है। जाओ सो जाके। इतनी देर रात कहाँ था? सहराबाद गए थे बाबूजी, कुछ काम था। क्या काम था? था इसे कुछ काम था। तू क्या सोचता है सुनील, तू रोज देर रात घर आएगा, तेरी माँ चुपके से दरवाजा खोलेगी और हमको पता नहीं लगेगा? इसने खाना नहीं खाया होगा। तुम चुप रहो। 13 अक्टूबर को कहाँ था? वो हम कुछ काम के लिए गए थे। क्या काम? बोला ना बाबू जी, कुछ काम के लिए गए थे। अब तुमसे ऐसे पूछताछ कर रहे हो जैसे पुलिस वाले। एजी छोड़ दीजिए। अरे एजी छोड़ दीजिए। मेरे को सुनील, तूने तो कुछ नहीं किया दुर्गा के साथ।
दिमाग खराब है क्या बाबूजी? साहराबाद क्या कंडे जाता है सब पता चलता है हमको। इसका मतलब हम वो दुर्गा के साथ, वो दुर्गा के साथ है? सुनील, हमने कुछ सवाल पूछा है, उसका जवाब चाहिए हमें। हम आपके बेटे हैं बाबूजी, आपके। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? वक्त यूं ही बीतता गया पर दुर्गा की अभी तक कोई खबर नहीं आई। दुर्गा के पिता लक्ष्मण बार बार पुलिस के पास जाते रहे और अपनी बेटी दुर्गा के बारे में पूछते रहे, लेकिन हर बार निराश ही लौटे। एक वक्त के बाद लक्ष्मण ने भी पुलिस स्टेशन आकर अपनी बेटी के बारे में पूछना छोड़ दिया। धीरे धीरे 10 साल की दुर्गा को सब भूल गए, यहां तक कि पुलिस भी। पुलिस के लिए दुर्गा का गायब होना एक अनसुलझा मिसिंग केस बनकर रह गया था। ये सभी को पता था कि दुर्गा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर गई थी, लेकिन उस रास्ते से वो कहां गायब हो गई इसका पता किसी को नहीं चल पा रहा था। महीने बीतते बीतते साल में बदल गए और अब दुर्गा करिया को कोई भी नहीं ढूंढ रहा था। दुर्गा का जन्म विलासपुर गांव में हुआ था और वो उसी विलासपुर गांव से लापता हुई थी, लेकिन दुर्गा के लापता होने की घटना ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया और गांव वालों और पुलिस के लिए फिर से एक नई चुनौती उभर कर सामने आई। 3 साल बाद, साल 2019 में। बस निकल गई क्या? अभी 10 मिनट पहले निकली है बेटा, देर हो गई तुमको। बरखा रेवाड़ी, वही स्कूल, वही घटना। बरखा स्कूल से देर से निकलती है और उसकी भी बस छूट जाती है। बरखा के साथ ये 14 सितंबर 2019 को हुआ, ठीक उसी तरह जैसे दुर्गा के साथ 3 साल पहले हुआ था। और ये इस केस में इकलौता इत्तेफाक नहीं था। हाँ साहब, देखे थे हम बरखा रेवाड़ी को, वो गांव के रास्ते से चल के जा रही थी, शायद उसकी बस छूट गई थी। बस छूट गई थी इसलिए पैदल आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा, भटक गई होगी बेचारी, गांव में सब ढूंढ रहे हैं। ऐसे कहाँ चली गई होगी हमारी बेटी? इस बच्ची को जानते हो? हाँ साहब, इस लड़की को हम रोज देखते हैं, यही बस स्टैंड पर आती है, ताहिराबाद से बस आने वाली जो बिलासपुर जाती है उसी बस में ये भी जाती है सर। कल ये बच्ची बस के लिए लेट हो गई थी क्या? हाँ साहब, फिर ये पैदल निकल गई। वो क्या है ना साहब, बिलासपुर होकर जाने वाली एक ही बस है जो यहाँ 1:45 को आती है, सारे बच्चे इसी से निकल जाते हैं और जिनकी बस छूटती है वो पैदल चले जाते हैं। सर 3 बार पूरा एरिया छान मार लिया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, ना ही बरखा रेवाड़ी का बैग और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे कुछ आइडेंटिफाई कर सके। गीता, उस रोड पे कोई रेडी वाला या दुकान वाला नहीं है जो कुछ बता सके? नहीं सर, बस बिलासपुर गांव के एंट्री पॉइंट पे ये मुकेश चाय वाले की दुकान है और भजन सर ने उससे भी बात की थी। अनिल, हम लोग तुरंत ये फोटो सब जगह भेजेंगे, सब जगह बरखा की तलाश करेंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिए, बरखा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। दुर्गा कभी नहीं लौटी साहब, 3 साल हो गए,
अब तक नहीं लौटी। हमें पता है अनिल, अभी कांस्टेबल ने मुझे उस केस के बारे में बताया। साहब, वो जो मुकेश चाय वाला है, उसने उस वक्त भी कहा था कि उसने दुर्गा को देखा था, और आज भी वो वही कह रहा है कि उसने बड़का को देखा है। हमें तो इस चाय वाले मुकेश पे ही शक है, और वो ठेकेदार लोकेश, दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त हैं साहब। आप फिक्र मत कीजिए, बड़का को ढूंढने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी। गलती की है साहब, दुर्गा के वक्त भी और बड़का के वक्त भी नहीं बोलना चाहिए था हमको, कुछ मुंह बंद रखना चाहिए था। तो क्या सोचता मुकेश, बिना पूछताछ के तुझे छोड़ देते? नहीं भी मुंह खोलता तो तोड़ के अंदर से निकलवाते सब कुछ। क्या निकलवाते साहब, कि लड़कियों को हम गायब कर रहे हैं? साहब ईमानदारी से धंधा करते हैं, चाय बेचते हैं। देखे हम बड़का को गांव की तरफ जाते हुए, तो बता दिए ईमानदारी से। ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि लोकेश के साथ मिलकर हम कुछ कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ये सरासर गलत है। हाँ, लोकेश हमारा दोस्त है, उसका अपना काम, हमारा अपना काम। तब पिछली बार भी हम पे ही इल्जाम थोपा था इन लोगों ने। साहब, हम कोई लड़कियों की तस्करी नहीं करते हैं, हम मजदूर कॉन्ट्रैक्टर हैं साहब। अरे हमारी बात, शहर में लोगों को मजदूरी का काम दिलवाते हैं साहब, हमको कहाँ ले जा रहे हो? अरे हमने कुछ नहीं किया है। आप शक के बिना पर हमें यहाँ उठा लाए, वहाँ गाँव में लोग हमें ही गुनहगार मानेंगे। सच बता, बरखा और 3 साल पहले वो बच्ची दुर्गा मेन रोड से गाँव की तरफ आए थे? आए थे साहब, आए थे। हमारी दुकान वहीं पर है, इसलिए नज़र चली जाती है। उस दिन भी चली गई थी। सब जानते हैं साहब, एक ही बस चलती है गांव से शहर के बीच। स्कूल के बच्चे बस छूट जाने पर अक्सर पैदल ही आते जाते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को लेके जाते हैं जिनको काम की आवश्यकता है, जो शहर में रह के काम करना चाहते हैं। हम जबरदस्ती किसी को नहीं ले जाते हैं। कहाँ लेकर जाता है लोकेश? ये ले, इसमें उन सभी लोगों का नाम लिख जिन्हें तू गांव से बाहर लेकर जाता है, और ये भी लिख कि उन्हें क्या काम पे करवाता है और कहाँ पे करवाता है। अब सब अलग अलग है साहब, अब किसी को फैक्ट्री में लगा दिया, किसी को कंस्ट्रक्शन साइट में, कंट्रेक्टर हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा था, जितना लोग इस सुपरवाइजर है ना, फोन करके पूछ लीजिए। इसलिए तो कह रहा हूँ कि सबका नाम लिख और सबका मोबाइल नंबर भी लिख। भूपेन, तुम्हें 3 साल पहले इस दुर्गा का कभी कोई सुराग मिला था? नहीं हरीश, कोई सुराग नहीं मिला। जिस लोकेश और मुकेश से तुम अभी सवाल पूछ रहे, इन दोनों से मैंने तब भी सख्ती से पूछा। देख लो, अगर तुम ये पता कर पाओ कि ये लोकेश शहर में लोगों से कहाँ काम करवाता है, तो शायद तुम्हें कोई लीड मिल जाए। मुझे पूरा यकीन है उस वक्त तुम्हारा शक भी दुर्गा के पिता पर गया होगा। हाँ, शक तो था उस पर, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे उसके खिलाफ कि उसने खुद कुछ किया हो। पर ये निश्चित रूप से कोई जानने वाला ही था जो दुर्गा को उठा ले गया या उसके साथ कुछ गलत किया। इन दोनों केसेस में एक जैसे कई सारे इत्तेफाक हैं। सच कहूँ तो विलासपुर छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस गांव के अंदर ही कुछ है। कुछ जैसे? एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ काला जादू वगैरह, मैं नहीं जानता। शायद वो लड़कियाँ खुद से ही भाग गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने सालों बाद हमसे यह पूछने की कि हमारी दुर्गा हमें कहीं से फोन किया नहीं? आपको क्या लगता है कि वो अपने आप भाग गई? 10 साल की बच्ची किसी साथ भागेगी और काहे भागेगी? लेकिन आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें ये समझाने के लिए कि हमारी बेटी खुद ही कहीं चली गई। ऊपर से आप लोगों को लगता है कि हमने उसे कहीं भेज दिया। देखो लक्ष्मण और राधा, अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बरखा भी गायब हुई, ठीक वैसा ही जैसे आपकी बेटी दुर्गा गायब हुई। वैसे ही गायब हुई है, इसका क्या मतलब? मतलब एक ही है कि अगर हमारी बेटी दुर्गा मिल गई होती ना, तो यह बरखा के साथ नहीं हुआ होता। क्या कहा तुम? अगर दुर्गा मिल गई होती तो बरखा के साथ ऐसा नहीं होता। और नहीं तो क्या, जब एक और बच्ची गायब हुई तब आपको हमारी बेटी याद आ रही है? हम कुछ नहीं जानते हैं और हमें जानना भी नहीं है। माफ कीजिए, हम लोग अब मान चुके हैं कि हमारी बेटी अब कभी नहीं मिलेगी। लक्ष्मण करिया और राधा करिया की आप लोगों से कोई दुश्मनी है? ऐसी दुश्मनी साहब, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि जब दुर्गा खोई थी तो हम भी उनके साथ हर जगह खोजने जाते। दुर्गा को ढूंढने के लिए हर कदम पर हम उनके साथ खड़े थे साहब,
एक बात बताइए, जब बरखा सुबह स्कूल के लिए घर से निकली तब सब कुछ ठीक था? हाँ सब, सब कुछ ठीक था, हर रोज की तरह। माँ बाबा हम निकल रहे हैं। हाँ आज तो हमारा बस छूट ही जाता सपना, घड़ी 5 मिनट देर से चल रहा है और हमको अब पता चल रहा है। हम तो अपनी घड़ी 5 मिनट आगे करके ही रखते हैं। बस ऐसे ही इधर उधर की बातें हुई थी बरखा से। सपना ठीक से याद करो, पिछले कुछ दिनों में बरखा ने तुम्हें ऐसा कुछ बताया हो, कुछ भी जो अटपटा लगा हो? क्या उसने तुम्हें कभी ये बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं बताया बरखा ने। देखिए मैडम, हम स्टूडेंट से इतना ओपनली बात नहीं कर सकते। हमने क्लास टीचर से कहा है वो बात करेंगे, लेकिन आप बॉयफ्रेंड की बात कैसे कर रही हैं? बरखा अभी 13 साल की है। एक एंगल ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद किसी के साथ भाग गई हो। बरखा की क्लास का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एब्सेंट हो या क्लास में नहीं आ रहा हो, ना इसके अलावा कोई ऐसी और बात है। और अगर आपका इशारा है कि कोई बॉयफ्रेंड है तो माफ कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, पिछली बार भी आपके थाने से कुछ पुलिस वाले आए थे, दुर्गा के बारे में इसी तरीके की इंक्वायरी कर रहे थे। एक 10 साल की बच्ची का बॉयफ्रेंड? शालिनी जी, ये जरूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड ही हो सकता है कोई और है जो लड़कियों को किसी चीज का लालच देकर बहला फुसला कर फंसा रहा हो, तस्करी का मामला हो सकता है। ये पता लगाना आपका काम है। 3 साल में 2 लड़कियां एक तरह से गायब हो गई, इसका जवाब आप ढूंढिए। बरखा ने कभी घर छोड़कर जाने की बात की थी या कभी कोई झगड़ा? आप फिर से इसी बात पर आ रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं हो रहा था सर, बरखा स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद हमारे साथ खेत में काम करती थी और शाम को अपनी पढ़ाई कर लेती थी। और सर वो किस लिए भागेगी, किसके साथ और क्यों भागेगी? देखिए मुझे मालूम है ये आप लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बरखा ने कभी किसी लड़के का जिक्र किया था? कमाल करते हैं साहब आप, क्या बहुत कुछ बुरा हमारे बच्चों के साथ हो रहा है और आप एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कोई लड़का था क्या जिसके साथ वो भाग सकती है? अरे साहब देखिए, आपने दुर्गा को तो खोजने की कोशिश नहीं की, ना ही आप बरखा को खोजने की कोशिश करेंगे, और फिर आके हमसे कह देंगे आप कि बरखा अपनी मर्जी से भाग गई। हम ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे अनिल, पर हर वो सवाल जो पूछना चाहिए वो पूछेंगे जरूर। हमें भी अजीब लग रहा है कि आपकी बेटी बरखा और पहले दुर्गा इस तरह से स्कूल से चलकर घर आ रहे थे और अचानक गायब हो गए। कोई तो है, वो चाहे गांव का हो चाहे गांव के बाहर का, जो भी हो वो गलत इरादे से बच्चियों को निशाना बना रहा है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, आपको किसी पर शक है? साहब हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं, फिर क्या बताएं हम? सरपंच जी कहां मिलेंगे? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस गांव में किसका प्रकोप पड़ा है? प्रकोप का छोड़िए सरपंच जी, ये बताइए कि गांव में कोई ऐसा है जो लड़कियों को गायब करके इनके परिवार वालों के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं? अगर ये पता होता कि कोई गांव का ही है तो घसीट कर आपके थाने में नहीं ला दिया होता। बरखा के माता पिता अनिल और उर्मिला रेवारी, क्या इनका दुर्गा के माता पिता लक्ष्मण और राधा के साथ कोई दुश्मनी थी? इनकी बेटी भी तो ऐसी गायब हुई थी ना। काहे की दुश्मनी, दोनों मजदूर परिवार है, एक दूसरे पर ऐसा जुल्म थोड़े ही करेंगे। सरपंच जी मैंने लक्ष्मण करिया से बात की, उसने कहा था कि अगर दुर्गा मिल गई होती तो बरखा के साथ ऐसा नहीं होता। उसके स्वभाव से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी से बदला लेना चाहता। काहे का बदला, लक्ष्मण और उसकी पत्नी राधा दोनों तो बेटी दुर्गा के खोने के गम में टूट चुके हैं। ठीक है, फिलहाल इस गांव में हम सभी को संदिग्ध मान के चल रहे हैं, क्या आपकी नजरों में भी कोई संदिग्ध है? अगर हमें कुछ पता होता तो सामने से आकर के बताते, लेकिन ये लोकेश है ना, इसके ऊपर गांव वाले शक करते आए। पर आपसे पहले जो पुलिस वाले थे वो भूपेन जी, वो तो कह के चले गए, लोकेश की छानबीन में उनको कुछ नहीं मिला। एक प्राइवेट वाली है सुनील भाई, थोड़ा ज्यादा लेगी लेकिन दिल खुश कर देगी एकदम, सेटिस्फाइड। हाँ यही सहाराबाद में अपने घर पे, उसका पति बाहर जाता रहता है। चलेगी 2500।
लेकिन दिल खुश कर देगी, गारंटी हमारी है। बहुत अग्रवास है इसका प्रोग्राम। गांव का एंट्री पॉइंट है और ये मुकेश चाय वाले की दुकान। लगभग 1.5 किलोमीटर तक इस सुनसान रास्ते पर ना कोई दुकान है ना ही कोई घर, दोनों तरफ बस झाड़ी। 1.5 किलोमीटर बाद एक किराने की दुकान है। दुर्गा और बरखा इन दोनों केसेस में सिर्फ मुकेश चाय वाले ने ही उन्हें गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ते हुए देखा था, पर जब मैंने किराने वाले से बात की तो उसने कहा कि उसने दोनों में से किसी को नहीं देखा। किसे देखा है तुमने? जी हाँ मैडम, हम जानते हैं इसको। ये तो बरखा है, अनिल भाई और उर्मिला बहन की बेटी। तुमने बरखा को 14 सितंबर को यहाँ से पैदल जाते हुए देखा था? जी नहीं मैडम, नहीं देखा। गांव वाले भी यही पूछ रहे थे। ये दुर्गा, इसे भी नहीं देखा था तुमने 3 साल पहले? जी नहीं मैडम, हम नहीं देखे। ये लड़कियाँ इस रास्ते से गायब कहाँ हो सकती है? अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं मैडम? गाँव से काफी लोग तुमसे सामान लेते होंगे ना? जी मैडम लेते हैं। उधारी देते हो? जी हाँ। पूरा नाम क्या बताया? अमित जुगल। अच्छा, तो ये दोनों लड़कियां बरखा और दुर्गा भी तुम्हें अच्छे से जानती होंगी? चॉकलेट या फिर कोई और खाने की चीज लेने के लिए आती होंगी? जी हाँ बिल्कुल, हमारी दुकान पे सभी लोग आते हैं। जिस तरह वो हमको जानते हैं वैसे ही हम भी उनको जानते हैं। ये एक पगडंडी है जहां से शायद ही कोई बाइक वाला आ जा सकता है, और वही से 500 मीटर पर एक और पगडंडी है जो बाएं ओर जाती है। इन दोनों लड़कियों के साथ कुछ तो जरूर हुआ होगा जो दुर्गा अक्टूबर 2016 और बरखा सितंबर 2019 में इस तरह से गायब हो गई। कुछ समानता तो जरूर होगी इन दोनों लड़कियों में या फिर इनके परिवार वालों में। भजन, तुमने दोनों परिवारों से बात की थी? जी, लेकिन किसी ने भी आपसी रंजिश और दुश्मनी से इनकार किया है। अपहरण? मानव तस्करी के लिए अपहरण किया होगा? नहीं, हमने लोकेश की अच्छी तरह से तफ्तीश की है। लोकेश एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और जहां जहां लोकेश ने लेबर्स भेजे हैं मैंने उन सभी कॉन्ट्रैक्टर से बात की है, यहाँ तक कि अपने एक आदमी को भेजा है वहाँ पे चेक करने के लिए। सर कहीं भी बाल मजदूरी नहीं हो रही। एक बहुत ही खास बात है इसमें, दुर्गा 2016 और बरखा 2019। ऐसा नहीं है कि गांव की तरफ जाने वाले इस रास्ते से 2016 से 2019 के बीच इन 3 सालों में और बच्चे और बच्चियां ना गुजरे हो और सही सलामत अपने घर ना पहुंचे। इस बारे में मैंने गांव वालों से बात की है, उनका कहना है कि ऐसा कई बार हुआ है कि उनके भी बच्चों की बस छूट गई है लेकिन सभी बच्चे सही सलामत घर वापस आ गए। तो फिर यही दोनों लड़कियां दुर्गा 2016 और बरखा 2019 में क्यों गायब हुई? सिर्फ इन्हीं दोनों को निशाना क्यों बनाया गया? ऐसी कौन सी बात है इन दोनों में? कुछ तो है जो इन दोनों लड़कियों से जुड़ा है, इनके परिवार, इनके माता पिता। समय दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई है जिसने और भी लड़कियों के साथ अपनी किस्मत आजमाई होगी। तुम्हारा मतलब है सेक्सुअल असॉल्ट? हाँ, बेहतर जिंदगी या और पैसों का लालच देकर किसी ने उन्हें गंदी नीयत से फंसाया होगा। सर ये लड़कियां बहुत ही गरीब परिवार से, गाँव के सरपंच और उसके बेटे सुनील के अलावा किसी के पास स्मार्टफोन तक नहीं है। बहुत सी लड़कियों को लालच दिया होगा लेकिन सिर्फ ये दो लड़कियां ही उस आदमी के जाल में फंसकर उसके साथ चली गई होंगी। ये
गीता, तुम्हें स्कूल के आसपास ऐसा कोई मिला जो लड़कियों पर नजर रख रहा हो, उन्हें अपना शिकार बनाने की फिराक में हो? स्कूल के आसपास तो ऐसा कोई नजर नहीं आया। हो सकता है गांव का कोई हो जो इन लड़कियों को फंसाने के लिए किसी बाहर वाले की मदद कर रहा हो। अरे बढ़िया पैसा मिलेगा और साथ में रहना खाना पीना सब एकदम ठाट से होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तुम बात तो सुनो, हमारे गांव में नहीं हमारे गांव के बाहर। अरे सायराबाद में नहीं तो कहीं बाहर इंतजाम करा देंगे। गीता तुम ज्यादा सोच रही हो, इस बात में बहुत सारे इत्तेफाक हैं। ये दुर्गा और बरखा उस दिन भी वैसे ही स्कूल गई थी जैसे कि हमेशा जाती थी। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि इन दोनों बच्चियों को किसी ने लालच दिया, तो फिर ये दोनों बच्चियां ठीक उसी दिन क्यों गायब हुई जिस दिन इनकी बस छूट गई? और इनकी बस तो गलती से छूटी थी क्योंकि स्कूल में देर हो गई थी। सर वहां कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने गोले वाले से भी बात की थी। हाँ साहब, इस लड़के को हम रोज देखते हैं, यही बस स्टैंड पर आती है। कल ये बच्ची बस के लिए लेट हो गई थी क्या? हाँ साहब, फिर ये पैदल निकल गई। अगर किसी को घर से भागना होता है तो वो घर से प्लानिंग करके निकलता है, ऐसा नहीं कि जिस दिन बस छूट जाती है सोचा चलो उसी दिन चले जाते हैं। सर ये बात कुछ बैठ नहीं रही है। फिर हो क्या रहा है इस मामले में, सिर्फ यही दो लड़कियां क्यों? स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी जी। जी शालिनी जी, बरखा की सहेली सपना ने हमें अभी अभी आकर कुछ बताया। क्या बताया शालिनी जी? सपना बता रही है कि बरखा कुछ महीनों से उदास थी जब से अवंतिका चली गई है। अवंतिका? अब ये कौन है और कहाँ चली गई? अवंतिका भी बिलासपुर की रहने वाली है, हमारे ही स्कूल में पढ़ती थी। 12th की स्टूडेंट है लेकिन फरवरी से उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया जबकि उसके एग्जाम्स होने वाले थे। अवंतिका चोरी? लेकिन वो गई कहाँ? हमें सिर्फ इतना मालूम है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। अवंतिका चोरी लता चोरी और विनायक चोरी की बेटी थी। लता चोरी और विनायक चोरी दुर्गा और बरखा के माता पिता की तरह ही खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। कहाँ थी अवंतिका चोरी और ऐसी क्या बात थी जो अवंतिका के दूर जाने के बाद बरखा उदास रहने लगी? बरखा और अवंतिका खास दोस्त थे। बरखा इसीलिए थोड़ी उदास रहती थी क्योंकि अवंतिका उसे बिना कुछ बताए चली गई थी। बरखा, बरखा जल्दी कर, स्कूल की बस निकल जाएगी। ए बरखा, जल्दी आ बेटा। आ रहे हैं, क्या है? जल्दी करना यार, इतना देर में अरे बस नहीं निकल जाएगी। चल चल, पर बैग तो लेने देती, प्लीज तू जल्दी कर। सपना बेटा, अवंतिका कहाँ गई थी? अपने नानी के यहाँ। हमारी अम्मा की तबीयत खराब रहती है, अम्मा बोली अवंतिका को भेज दो तो हम भेज दिए। फरवरी के महीने में जब उसकी 12th की परीक्षा होने वाली थी तब? सब अवंतिका का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो खुद बोली कि नानी के पास जाके रहेंगी। हमें भी यही ठीक लगा, 12th तक तो पढ़ ली, अब क्या करेगी? खेत में काम करेगी, एक दो साल में लड़का देख के आच्छादी कर देंगे। लेकिन साहब आप क्यों पूछ रहे हो सब? अवंतिका और बरखा अच्छी दोस्त हैं, है ना? हाँ। अवंतिका की नानी वो कहाँ रहती है? सांपुर। 14 सितंबर को भी बरखा ने बस में हमसे अवंतिका के बारे में बात की थी, बरखा उस दिन लेट हो गई थी। हम तो अपनी घड़ी 5 मिनट आगे करके ही रखते हैं। हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। पता है पहले हमको कभी देरी ही नहीं होता था, अवंतिका हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाती थी हमको घर से बाहर सही टाइम पर निकालने के लिए। तुम्हारा बात हुआ अवंतिका से? नहीं ना, कहा, सोच रहे हैं जाके उससे मिल ले, एक दिन स्कूल के बाद जाकर मिलाएंगे। सर शामपुर बताया था अवंतिका की माँ ने, एड्रेस भी दे दिया लेकिन फोन ना तो अवंतिका के पास है और ना ही उसकी नानी के पास। हम वहाँ चल के उससे बात करते हैं, शायद उसे बरखा के बारे में कुछ पता हो। पुलिस की टीम अवंतिका से मिलने के लिए तुरंत शामपुर गांव के लिए निकल गई। दुर्गा करिया का गायब होना 2016 में, बरखा रेबाड़ी का गायब होना अभी हाल ही में 2019 में। क्या इन दो मिसिंग केसेस को सुलझाने के तार अवंतिका चोरी से जुड़े हुए थे? पुष्पा,
पुष्पा देवी जी? हाँ? आप विलासपुर में रह रही लता चूरी की माँ है ना, अवंतिका चूरी की नानी जी? क्यों, आप ये क्यों पूछ रही हैं? अवंतिका चूरी कहाँ है अभी? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ कब आई वो? लता ने हमें बताया था कि फरवरी महीने से आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए उन्होंने अवंतिका को आपके पास आपके देखभाल के लिए भेजा था। नहीं, मतलब अवंतिका यहाँ पे आई नहीं? नहीं, और हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। लता ने और विनायक ने अवंतिका को यहाँ नहीं भेजा, और अगर भेजा भी होता तो वो इतने महीने से यहाँ रहती? हमने अवंतिका बिटिया के बारे में लता से पूछा था, और उसने कहा कि वो सायराबाद में किसी कॉलेज में पढ़ रही है। तो तू क्या करने वाली है अवंतिका, भाग जाएगी क्या? इस बारे में कुछ नहीं सोचा है बरखा। अगर भागने वाली है तो तू जाएगी कहाँ? हम इस बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा है बरखा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अवंतिका अपने 12th के एग्जाम्स देना नहीं चाहती थी। वो भला ऐसा क्यों करेगी, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। 10th स्टैंडर्ड में 80% से ज्यादा मार्क्स लेकर आई थी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसके माता पिता ऐसा कहेंगे कि अवंतिका का पढ़ने में मन नहीं था। देखिए, हम उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि हमसे बोला गया था कि वो अपनी बीमार नानी के पास गई है, आप कह रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। ये बड़ा अजीब लग रहा है, आखिर अवंतिका है कहाँ? ठीक है शालिनी जी, हम अवंतिका के पेरेंट्स से पूछताछ करते हैं ये जानने के लिए कि अवंतिका है कहाँ। इस विनायक चूरी और लता चूरी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करते हैं सर, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अवंतिका भी मिसिंग हो। सर मुझे लग रहा है कि अवंतिका और बरखा का मिसिंग होना, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं, और ये दुर्गा के लापता होने से भी जुड़ा होगा। पुलिस को हम सब सच सच बता देंगे। सच? पर क्या वो हमारी बात का विश्वास करेंगे? क्या अवंतिका चूरी का गायब होना या उसकी गैर मौजूदगी इस बात का इशारा कर रही थी कि दुर्गा कारिया और बरखा रेवाड़ी के गायब होने की घटनाओं का अवंतिका के साथ कोई संबंध था, तब जब अवंतिका ना बिलासपुर में थी ना स्कूल जाती थी। अब सवाल यह है कि अवंतिका आखिर थी कहां? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अवंतिका, बहुत। झूठ कहा विनायक और उसकी पत्नी लता ने? गांव में तो सब लोग यही जानते हैं कि अवंतिका नानी के घर गई हुई है। लेकिन सरपंच जी, अवंतिका की नानी ने ही हमसे कहा है कि अवंतिका उनके घर नहीं है। तो अवंतिका है कहाँ, कहाँ चली गई वो? यही बात तो हम पूरे गांव में पूछ रहे हैं कि आखिर ये विनायक और लता झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये हमारे लिए चौंका देने वाली बात है, हमने तो हमेशा उनकी बातों पर विश्वास किया, पर इसका बरखा और दुर्गा के लापता होने से क्या संबंध हो सकता है? फिलहाल तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता सरपंच जी, लेकिन हमें पता चला है कि बरखा और अवंतिका काफी करीब थी, और अब अवंतिका का इस तरह से गायब होना। ये बिलासपुर में हो क्या रहा है, सब कुछ तो अजीब हो रहा है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी अवंतिका कहीं नहीं मिल रही, कहाँ है वो? हमें सच में नहीं पता साहब, अवंतिका सुबह स्कूल के लिए निकली थी, तब से कभी वापस नहीं आई वो। मेरे सामने बकवास मत करो। हम सच कह रहे हैं साहब, फरवरी के महीने में एक दिन अवंतिका हर रोज की तरह स्कूल के लिए निकली और लौट के घर नहीं आई। कहानी बना रहे हो, अगर अवंतिका रोज की तरह घर से निकली और वापस नहीं लौटी तो तुम लोगों ने बरखा और दुर्गा के मां बाप की तरह शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्योंकि हमको पता है साहब कि अवंतिका घर से भाग गई, इसलिए हम शिकायत दर्ज नहीं कराए। घर से भाग गई कहां?
एक लड़के के साथ भाग गई। कौन लड़का? यही हम नहीं जानते साहब। तुम ये जानते हो कि वो घर से भाग गई, लेकिन ये नहीं कि किसके साथ भागी है। ऐसा कैसे? तुम दोनों सिर्फ झूठ बोल रहे हो सबसे। तुम लोगों ने पहले ये कहा कि तुमने अवंतिका को उसकी नानी के घर भेजा है उनकी देखभाल करने के लिए, और अब बोल रहे हो किसी लड़के के साथ भाग गई जिसके बारे में तुम दोनों कुछ नहीं जानते। सच बोल रहे हैं साहब, भागने के एक महीने पहले एक लड़के के बारे में बात की थी। लड़का कहाँ का था? जी, उसी के स्कूल का होगा। और उसने तुमको लड़के का नाम नहीं बताया? हम पूछे नहीं। वो जब हमको ये बात बताई हम तो हिल ही गए थे। माँ, हमको बिना प्यार हो गया है किसी से। क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ, हम उसको बहुत पसंद करते हैं और वो भी हमको बहुत प्यार करता है। तुमको पढ़ा रहे हैं ताकि पढ़ लिख के तुम कुछ बन जाओ। माँ, तुम पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ रहे हैं। ये सब भद्दा बात तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, इसके अंदर भद्दा बात का है। शादी करना चाहते हैं और इसमें गलत भी क्या है? तुमने भी तो किया था। कोई थी, पर हमारे माँ बाप गए थे लड़का देखने। हम खुद बेशर्मों की तरह लड़का ढूंढने नहीं निकले थे अपने लिए। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? आ जाने दो तुम्हारे बाबा को, वही आके तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। ये जो प्रेम का भूत भूत है ना, दुई लपड़ कान के नीचे लगे ना तो सब के सब उतर जाएंगे। ये करने जाती है स्कूल में, और सर पे चढ़ाओ इसे। इसको अपनी मर्जी से शादी करनी है। वो लड़का कौन है अवंतिका? हमारी क्लास में पढ़ता है बाबा। और ये सब कब से चल रहा है? पिछले एक साल से। तुम हमारी इकलौती उम्मीद हो जो इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है, ये बात तुम्हें पता है ना? तो अच्छे से पढ़ना बेटा, कॉलेज जा, आगे भी पढ़। इसलिए तो हम और तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करते हैं। जब तू पढ़ लिख लेगी ना तो अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर देगी, और अभी से ये सब करेगी तो तेरा पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। देखो बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, हमारा वक्त और मजबूरियाँ अलग थी। कुछ दिमाग में सोचने को ही नहीं आता था, जो कहा गया वो कर दिया। तुम्हें तो मौका मिला है अपने सपने को सच करने का। तू पढ़ेगी ना बेटा, ये तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। हम उस पर जरा भी गुस्सा नहीं किए। हमको लगा अवंतिका समझ गई थी, पर शायद उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। ये बात हम समझ नहीं पाए साहब। वो 20 फरवरी को स्कूल से घर लौटी ही नहीं। ये लड़की कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठी ना? हम उसको समझाए थे लता, बहुत समझदार लड़की। तो फिर अब तक घर काहे नहीं आई? आप चाहे कितना भी समझाए हो पर वो लड़का उसके दिमाग में बस गया था। अवंतिका हमसे बोली थी कि अब हम पढ़ाई में ध्यान देंगे बाबा, लेकिन एक बार ऐसी चीज किसी के दिल और दिमाग में बैठ जाए ना फिर और कुछ नहीं सोचता, चाहे कितना समझा लो। पुलिस चौकी जाके आते हैं। कहा होगा पुलिस में जाके? सिर्फ पूछताछ ही ना। ये पूछेंगे कि कहाँ गई और काहे नहीं लौटी, फिर पता चलेगा कि ऐसे ऐसे किसी लड़के के साथ उसका चक्कर था, उसी के साथ भाग गई। तो हम उसको वापस ले आएंगे। फिर गांव में कहाँ होगा हमारा? कहाँ होगा गांव में? सब तो यही कहेंगे ना कि अपनी बेटी को काबू में नहीं रख पाए माँ बाप। कैसी नजरों से देखेंगे हमें? अवंतिका से कभी कोई शादी करेगा? सारा गाँव हम पे थू थू करेगा। लता, वो हमारी बेटी है। हमारी बेटी जो किसी लड़के के साथ भाग गए। देखिए, बदनामी तो हमारी ही होगी। पंचायत में लोग यही कहेंगे कि इनकी बेटी का गांव की दूसरी लड़कियों पे खराब असर पड़ेगा, ऐसे ही किसी लड़के के साथ भाग गई है। लड़कों का कभी कुछ नहीं जाता, बदनामी तो लड़की और लड़की के माँ बाप की ही होती है। हम कोई शिकायत दर्ज नहीं कराए, कहे कि हमको पता था कि अवंतिका दुर्गा की तरह गायब नहीं हुई, किसी लड़के के साथ भाग गई है। और शिकायत दर्ज भी कराते तो बदनामी तो हमारी ही होती, और अगर उनको ढूंढ के भी ले आते तो सब तरह तरह के सवाल पूछते, किसी लड़के के साथ इतने दिन। इसीलिए हम लोग तय किए कि हम सबको यही बताएंगे कि वो नानी के घर गई। झूठी, पूरी की पूरी झूठी और मनगढ़ंत कहानी है तुम लोगों की। झूठ नहीं है साहब, अवंतिका के जाने के 4 दिन बाद बरखा भी आई थी। काका काकी,
अवंतिका कहाँ है? चार दिन से दिखी नहीं वो। बेटा वो अपनी नानी के घर गई है। कहा है ना उसकी नानी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो हम उसे वहाँ भेजे हैं ताकि नानी की देखभाल हो सके। लेकिन अवंतिका का तो अभी एग्जाम आने वाला है ना काकी, कब आएगी वो? आ जाएगी, जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी आ जाएगी। और एग्जाम का कहा है, वो तो बाद में भी देख लेंगे। चलते हैं। देर हो। जब भी अवंतिका के बारे में हमसे कोई पूछा तो हम मजबूरी में सबको यही कहानी सुनाए। सच यही है साहब कि अवंतिका किस लड़के के साथ भागी है, सच में इस बारे में हमको कुछ नहीं पता। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं लता और विनायक? पता नहीं किस हालत में होंगे हमारे बच्चे। तो क्या दुर्गा और बरखा भी उस अवंतिका की तरह किसी लड़के के साथ भाग गई होगी? बस अब कहीं से पता चल जाए कि दोनों सही सलामत हैं, बाकी कुछ और सोचने समझने को तो बचा नहीं है। पता नहीं कब पता चलेगा हमारी बच्चियां कहाँ गई हैं। विनायक चूरी और लता चूरी का ये झूठ कि अवंतिका अपनी नानी के घर है, पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। देखा सुनील भाई, ये अवंतिका के साथ कहाँ निकला है? अरे जैसे ही अवंतिका भागी है ना किसी के साथ, अब तुमको पक्का लग रहा है कि बरखा भी वैसे ही भागी होगी किसी, और क्या पता कि दुर्गा का भी 3 साल पहले वही हाल हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? ये 3 साल पहले बोले थे कि दुर्गा ना कहीं भागी भागी नहीं है, भगा दी गई है, और अब ना उसके माँ बाप यहाँ बैठ के नाटक कर रहे हैं। अब देख लीजिएगा, जब सच बाहर निकलेगा ना तो पता चला कि बरखा भी किसी लड़का के साथ भाग गई, नहीं तो ये अवंतिका बरखा को फोन करके गांव के बाहर बुला ली होगी। अबे अर्जुन, तुम पुलिस को अपना काम करने दो ना, है? नहीं तो पुलिस वालों को हम कह देते हैं कि तुमको सब पता है, फिर वो आएंगे तुमको पकड़ के ले जाएं और तुमसे आराम से बैठ के सब पूछे। हम निकलते हैं भाई, काम में दिमाग लगाओ, समझे? चलो निकलो। अवंतिका के बारे में लता चूरी और विनायक चूरी द्वारा पुलिस को दिए गए इस नए बयान से पूरे गांव में हड़कंप मचने वाला था। और दूसरी तरफ जांच पड़ताल से यह पता चलने वाला था कि वो लड़का कौन था जिसके साथ अवंतिका भागी थी। पर सबसे जरूरी सवाल, क्या अवंतिका को ढूंढने से बरखा और 3 साल पहले दुर्गा के लापता होने की घटनाओं से जुड़े सवालों का जवाब मिल पाएगा? ये देखिए अवंतिका के अटेंडेंस का रिकॉर्ड, 20 फरवरी लास्ट डेट। अवंतिका के मां बाप की ये बात सही है कि अवंतिका ने लास्ट क्लास 20 फरवरी को अटेंड की। आपने कहा था कि अवंतिका एक अच्छी स्टूडेंट थी, तो फिर आप लोगों ने कभी ये बात पता लगाने की कोशिश नहीं की कि अवंतिका उस दिन के बाद स्कूल क्यों नहीं आई? हमने उसके माँ बाप को कॉल किया था, उन्होंने बताया कि अवंतिका अपनी बीमार नानी को देखने गई है। हमने जोर दिया कि अवंतिका को 12 के एग्जाम्स देने दीजिए, पर उन्होंने कहा कि उसकी नानी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, अवंतिका इस साल एग्ज़ाम नहीं देगी, अगले साल देगी। अब आप कह रही हैं कि अवंतिका के माँ बाप ने ये बात स्वीकार की है कि अवंतिका किसी लड़के के साथ भाग गई है। अगर अवंतिका के माँ बाप की बात माने भी तो ये लड़का है कौन? अवंतिका ने उन्हें बस इतना ही बताया कि वो लड़का इसी स्कूल का है। उसकी खास दोस्त बरखा को ज़रूर पता होगा, लेकिन वो भी गायब। हमें और स्टूडेंट से बात करनी होगी। पर अवंतिका के साथ पढ़ने वाले बच्चे 12th पास कर गए हैं और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बाहर चले गए होंगे। हम आपको उनके एड्रेस दे सकते हैं। आप एड्रेस दे दीजिए। अजीब बात है कि एक ही स्कूल से 3 लड़के। देखिए मैडम, इस बात में स्कूल को मत फंसाइए। उस गांव से बहुत से बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल का उनके व्यक्तिगत मामलों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन शालिनी जी, यही 3 लड़कियां स्कूल से घर नहीं पहुंची है। लेकिन यही 3 लड़कियां स्कूल से निकल गई थी, इस बात का रिकॉर्ड है हमारे पास। हमें तो लगता है कि बिलासपुर में ही कुछ गड़बड़ है। अब कहना क्या चाहती है? देखिए अवंतिका का गायब होना दुर्गा और बरखा के गायब होने से कैसे जोड़ा जा रहा है? दुर्गा और बरखा को गांव में देखा गया था, अवंतिका का तो कुछ भी पता नहीं चला, कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं है। हमें लगता है कि ये उस गांव का या परिवार का आंतरिक मामला है। अगर इनकी बेटी अवंतिका भाग गई है तो अब पंचायत का यह मानना है कि हमारी बेटी बरखा भी भाग गई है। इन्होंने अवंतिका की सच्चाई छुपाई, हमने तो ऐसा नहीं किया ना। हमारी बेटी इनकी बेटी की तरह किसी लड़के के साथ नहीं भागी है। पता नहीं इनकी बेटी भागी भी है या नहीं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पहले सच्चाई छुपा करके तुमने अपने आप को विश्वास के लायक नहीं छोड़ा है विनायक। हमारी अवंतिका भाग गई। अरे भाग हो गई
पर भुगत तो हम रहे ना, सबसे झूठ बोलते आ रहे हैं। पर एक बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि गांव वाले और पुलिस बरखा के गायब होने के मामले में हमारी अवंतिका को काहे घसीट रहे। अरे अवंतिका खुद से किसी लड़के के साथ भागी है, वो बरखा को भागने में मदद काहे करेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। सरपंच जी, बरखा का जरूर किसी के साथ कोई चक्कर। ए लोकेश, तुम तो चुप ही रहो। हां, अरे गांव के सबसे बुरे आदमी तो तुम हो। हां, ये बात तो पूरे गांव में चीख चीख के तू बता चुका है। कुछ मिला पुलिस को भी? कुछ मिला मेरे खिलाफ? इधर देख, पूरी लड़की भाग गई किसी के साथ। हमारी बेटी जिंदा है। दुर्गा जहां भी है वो जिंदा है। मैं कैसे पता लक्ष्मण दुर्गा जिंदा है? एक बाबा ने बोला था कि वो जिंदा है। हम देख सकते हैं उसे, साफ साफ देख सकते। बाबा से कौन ले गया? हम उसको ढूंढ का ही नहीं पा रहे। हम कब तक उसको ढूंढ लेंगे? ये बताना अभी संभव नहीं है कि उसे कब तक ढूंढ पाओगे, परंतु वो वापस आएगी, तुम्हें मिलेगी जरूर। दुर्गा के गायब होने के 6 महीने बाद बाबा ने बोला था कि हम उसको कभी ना कभी ढूंढ लेंगे। अभी सब अवंतिका की बात कर रहे हैं। हमको लगता है हमारी दुर्गा भी उसी के साथ है। सरपंच जी, हमको तो लगता है अवंतिका ही बरखा को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई है। अरे आप लोग क्यों एक ही बात पे अड़े हुए हो कि अवंतिका अगर इस तरह से भाग गई है तो बरखा या दुर्गा के बारे में उसको पता होगा? इस सवाल को आप पूछना बंद कीजिए, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हैं कि अवंतिका कहाँ है। ये विनायक और लता दोनों झूठ बोल रहे हैं। अवंतिका किसी लड़के वड़के के साथ नहीं भागी। कब है? तुमको कैसे पता कि झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि हम अवंतिका को देखे थे जब वो गांव में आखिरी बार दिखी थी। कहाँ देखा था? अपनी चाय की दुकान के पास में, हाँ? गांव की तरफ आते हुए। हाँ। तुम्हारी नजर बड़ी तेज और बड़ी चौकन्ना है मुकेश। तुम सब कुछ देखते हो और सब कुछ याद भी रखते हो, है ना? अगर अवंतिका गांव के अंदर आई होगी तो उसी रास्ते से आई होगी जिससे दुर्गा और बरखा आई थी। और उस रास्ते से आई होगी तो दुर्गा और बरखा के जैसे वो भी गायब हुई होगी। कब है मुकेश, तू क्या बोल रहा है? तूने इन 3 लड़कियों को गांव के अंदर आते हुए देखा भी था क्या? इसे कोई कहानी बना रहा है? ऐसे देख क्या रहे भाई? तुमने इन 3 लड़कियों को देखा गांव के अंदर आते हुए, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उनके पीछे कौन आया, कौन मिला, क्या बात की, कहाँ ले गया, ये सब कुछ नहीं देखा। हम जो देखे वही बता रहे हैं सुनील बाबू। आप सरपंच जी के बेटे हो इसलिए सोचा आपको बता दें कि हमने अवंतिका को भी देखा। वो क्या है, अभी पुलिस के पास जाऊंगा तो वो वैसे सवाल करेगी जैसा आप कर रहे हो। सुनील बाबू, हमको लग रहा है एक गाँव का ही कोई है जो इन लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है। तुम हवा में ज्यादा मत उड़ो, जो हुआ है वो सही से बताओ। सुनील बाबू, हमको ऐसा लग रहा है ये लड़कियां आप कभी नहीं मिलेंगे। हेलो, जतिन कुमार जी, हाँ बोल रहे हैं, आप कौन? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गीता बोल रही हूँ, विलासपुर पुलिस थाने से। जतिन, तुम एलएम हाई स्कूल में पढ़ते थे, अवंतिका तुम्हारी क्लासमेट थी ना? विलासपुर की अवंतिका चूरी, जिसने फरवरी 2019 से स्कूल आना बंद कर दिया था। जी हाँ जानते। देखो जतिन, सीधा सवाल पूछती हूँ जो तुम्हारे बैच के दूसरे स्टूडेंट से भी पूछ चुकी हूँ मैं। क्या अवंतिका का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा था? जतिन, अवंतिका पिछले 7 महीने से मिसिंग है, और तुम्हारे स्कूल की अवंतिका के गांव की वो दुर्गा भी मिसिंग हुई थी 2016 में, और अब ये बरखा रेवारी भी मिसिंग है। तुम समझ रहे हो ना कि मामला कितना गंभीर है, कुछ छुपाना नहीं। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है मैडम। अवंतिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके एक लड़के के साथ अच्छी दोस्ती भी थी। मतलब वो हमसे 2 क्लास सीनियर था, पर वो 9th में 2 बार फेल भी हो चुका था। कौन था? राघव गोलिया नाम है उसका। राघव के साथ कुछ था या नहीं ये तो हम आपको पक्का बता नहीं सकते, लेकिन हाँ अवंतिका काफी क्लोज थी राघव के साथ। और जब अवंतिका ने स्कूल आना छोड़ दिया था तो राघव ने भी स्कूल आना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि 12th का एग्जाम में भी वो अपेयर नहीं हुआ था। और अभी कहाँ है ये राघव गोलिया? ये तो हमको नहीं पता मैडम, और वैसे भी उसका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था,
वो तो बस यूं ही मटर गस्ती करने आता था स्कूल। बड़े बाप का बेटा है ना मैडम। आप बिल्कुल सही कह रही थी गीता जी, राघव घोलिया नाम है। राघव घोलिया भी 20 तारीख के बाद स्कूल में आना बंद कर दिया था और उसने भी एग्जाम नहीं दिए थे। उसके पापा सायराबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वैसे हमने कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की क्योंकि राघव पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। शालिनी जी, हमें लगता है कि हमें अवंतिका तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। सर, अगर खुद से भागी होगी ना तो आसानी से मिल जाएगी। वो क्या है ना कि नट बोल्ट कहीं ना कहीं तो खुल ही जाता है। जैसे आपको ये राघव गोलिया का पता चल गया। वो अवंतिका चोरी केस के बारे में है जीतू, और मुझे नहीं लगता कि अवंतिका के केस का दुर्गा और बरखा के केस के साथ कोई कनेक्शन। हम भी तो ये कह रहे हैं सर, इन लड़की लोग के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। अगर गलत हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी ने गलत किया भी होगा। हम आपको एक बात बताते हैं, सायराबाद में एक दल्ला है सुजल महिपाल, ये लड़कियां सप्लाई करता है और इसके रेगुलर कस्टमर में से एक है आपके ही गांव विलासपुर का सरपंच अरविंद रजवी का बेटा सुनील रजवी। अभी तक हम आपको जितना आंकड़ा बिठाए हैं उसमें से ये चाय वाला मुकेश, उसकी नज़र तेज है। सब हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो गांव वाली सड़क है सुनसान है, दोपहर के वक्त ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता नहीं होगा। ये दो लड़कियाँ बरखा और दुर्गा, इन लोगों ने बस मिस की होगी और फिर रास्ते में चल चल के जा रही होंगी। किसी ने इस बात की खबर किसी तक पहुंचाई हो। और उस किसी ने इन लड़कियों को कुछ ना कुछ झांसा दिया हो। इन दो लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। क्या कर रहे हो तुम? जी तू, ऐसा नहीं है कि हमने इस एंगल में सोचा नहीं है, लेकिन हमें लड़कियों तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आप ये सुजल महिपाल और सुनील को उठाइए। आपने मुकेश को भी अभी तक तोड़ा नहीं है ना, इन तीनों को ना अलग अलग तोड़िए। बात बाकी अगर अवंतिका सच में राघव के साथ भागी होगी तो वो तो आपको राघव तक पहुंचने पर पता चल ही जाएगा। आपका बेटा राघव कहाँ है? मैं इंस्पेक्टर हरीश कुमार बिलासपुर से। लेकिन आप हमारे बेटे के बारे में क्यों पूछ रहे? मामला क्या है? एक लड़की का मामला है, बिलासपुर गांव की अवंतिका, साथ पढ़ती थी राघव के। तो हमें शक है कि अवंतिका राघव के साथ भागी है। ये क्या कह रहे हैं आप? राघव से तो रोज बात होती है हमारी। वो हमारी दीघापुर वाली फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में काम करता है और इसी साल के अप्रैल महीने से वहीं पर ही है, दीघापुर में ही। बीच बीच में घर भी आता रहता है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ठीक है, हमें गलतफहमी हुई है। कोई मोबाइल तो होगा आपके बेटे के पास, तो उसका नंबर और दीघापुर का पता बताइए, हम खुद बात कर लेंगे उससे। जब पुलिस राघव के पास दीघापुर पहुंचेगी तब अवंतिका के बारे में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इसमें जो नजरअंदाज हुआ था वो था एक अपराध जो दुर्गा के 2016 में गायब होने के बाद और बरखा और अवंतिका के 2019 में गायब होने के पहले घटा था। वो अपराध 2017 में हुआ था। क्या सेक्सुअली असल्ट किया गया क्या? जी सर, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मिला है। इसे मरे हुए 24 घंटे से अधिक नहीं हुए, बहुत बेरहमी से इसके साथ रेप हुआ। इसके चेहरे पर ये निशान देखिए, हाथों से गला घोटा गया है इसका और इसके शरीर पर भी स्ट्रगल के निशान। इसका नाम रूपम होता है। इसके माँ बाप इसे कल शाम से ही ढूंढ रहे हैं। ये मजदूरी के लिए कल अपने घर से निकली थी लेकिन मजदूरी करके ये घर नहीं पहुंची। बहुत ही बेरहमी से रेप हुआ है। जिसने भी ये किया है वो बहुत ही विकृत मानसिकता का है। अरे बोला ना बात करनी है, लेकिन घबरा क्यों रहा है? अरे लेकिन किस विषय में बात करनी है? कुछ पूछना चाहते हैं तुझसे। अरे लेकिन आप बताओगे कि अरे बैठ गाड़ी में, कहीं उन लड़कियों के बारे में आप हमसे तो कुछ नहीं पूछना चाहते? तुम बताओ, तुम कुछ जानते हो उन लड़कियों के बारे में? इतनी परेशान है तुम? राघव की अवंतिका तुम्हारे पास आने वाली थी, भागने वाली थी वो तुम्हारे साथ। हमने कई बार कहा भाग चलते, एक दो बार तो वो मान भी गई थी लेकिन फिर हमको नहीं पता, वो कभी आई नहीं। अवंतिका, हम तुम्हारे माँ बापा को निराश नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें आगे पढ़ाई करने से रोकेंगे? हम क्या तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से रोकेंगे? नहीं राघव, लेकिन हमारे माँ बापा को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और हम ऐसे उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकते। तुम उनकी उम्मीदों पर कैसे पानी फेर रही हो अवंतिका? अगर वो नहीं माने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे राघव जी। बरखा को हमारे और अवंतिका के बारे में सब कुछ पता था। अवंतिका सिर्फ बरखा से ही अपनी बातें शेयर करती थी। हमने भी बरखा से बात की थी कि वो हमारी कुछ मदद करे और बरखा ने भी इस बारे में अवंतिका से बात की थी। राघव हमको बोला कि तुमको कभी धोखा नहीं देगा। वो हमको बोला कि हम तुमसे बात करें और तुमको समझाएं। बरखा, हम राघव को बोल चुके हैं
कि हम ऐसे उसके साथ नहीं भाग सकते। हम राघव को पसंद करते हैं, लेकिन हम माँ बाबा के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। माँ तो गुस्सा होंगी, लेकिन बाबा तो पूरे टूट जाएंगे। हम ऐसे कभी नहीं भागेंगे राघव के साथ। एक महीने तक अवंतिका को मनाने की कोशिश करने के बाद अवंतिका ने खुद कहा था कि वो फिर से बात करेगी अपने माँ बाबा से, लेकिन 12वीं की परीक्षा के बाद। ठीक है राघव, हम एक बार और ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन 12वीं की परीक्षा के बाद। और राघव, हम किसी भी सूरत में ऐसे तुम्हारे साथ भाग के नहीं जाएंगे। हम हमारे माँ बाबा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और हमारा क्या अवंतिका? हम माँ बाबा से बात करके तुमको बताएंगे, तब तक तुम इंतज़ार करो। और अगर माँ बाबा ने मना कर दिया तो तब की तब देखी जाएगी। बरका! राघव, क्या हुआ? अवंतिका कहाँ है? वो अपनी नानी के घर गई है। क्या, परीक्षा के टाइम पर? पता नहीं राघव, अवंतिका के माँ बाबा कह रहे हैं कि वो शायद इस साल 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएगी। वो अपनी नानी के यहाँ जा चुकी है। अवंतिका की नानी कहाँ रहती है? श्यामपुर गाँव में। अवंतिका ऐसे अचानक जाने के लिए कैसे मान गई, और हमको बताया भी नहीं? राघव, हमें भी कुछ नहीं पता, हम तो उससे मिले भी नहीं। अवंतिका के माँ बाबा कह रहे हैं कि वो 20 तारीख को गई है। हम खुद 19 तारीख से बीमार थे, 25 तारीख को स्कूल आए हम, यहाँ आकर देखा तो अवंतिका नहीं आ रही है, तो जाकर पूछे हम। अवंतिका के पास तो कोई फ़ोन भी नहीं था जिसे हम कॉल करके पूछे कि वो कहाँ है। हम श्यामपुर गए थे, 4 दिन लग गए अवंतिका की नानी का घर ढूंढने में, पर हमें अवंतिका वहाँ भी नहीं दिखी। हम समझ गए अवंतिका ने फिर से अपने माँ बाबा से बात की होगी, उन्होंने मना कर दिया होगा, और फिर उन्होंने अवंतिका को कहीं भेज दिया होगा। तुम आखिरी बार उससे 20 तारीख को मिले थे, क्या उस दिन वो कुछ परेशान दिख रही थी? वो परेशान नहीं थी, और हमें कुछ बताया भी नहीं कि कहीं भेजे जाने की बात चल रही हो घर पे। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें तुरंत पता चल जाता, क्योंकि हम उससे प्यार करते थे। हमें पता चल जाता था कि कब उसका मूड कैसा है। हम उसे बुला नहीं पाए और यहाँ से चले गए। सच कहे तो पढ़ाई में वैसे भी दिल नहीं लगता था, स्कूल तो सिर्फ अवंतिका के लिए जाते थे। लता और विनायक की ये बात तो सच निकली कि अवंतिका की जिंदगी में एक लड़का था। हाँ, मगर उनका ये मानना कि वो उसी लड़के के साथ भागी है, ये सच नहीं है। तो क्या अवंतिका के साथ भी वही हुआ होगा? उस दिन उसकी बस भी छूट गई होगी और वो पैदल चलकर उसी रास्ते से घर जा रही होगी। और हाँ, हम धंधे वाली औरतों से मिलते हैं, हम मानते हैं कि अक्सर हम उनके यहाँ जाते रहते हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, ये कैसा सवाल है? नील राज भी तो गाँव के सरपंच का बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते। कौन सा सबूत? कहीं सुजल महिपाल ने आपसे ये तो नहीं कहा है कि इन लड़कियों के साथ मैंने कुछ किया है? हाँ सर, हम लड़कियों को कस्टमर लाकर देते हैं, और हम सारा बदले 3 साल से धंधा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी लड़की को जबरदस्ती हम काम में नहीं लगाते हैं सर। और वो 3 लड़कियां जो गायब हुई हैं, अगर उनको हम जबरदस्ती काम में लगाए होते या कुछ किए होते उनके साथ, तो पता चल जाता ना सर। और वो जो दुर्गा यहाँ से 3 साल पहले गायब हुई थी, अगर वो कहीं धंधा कर रही होती सर, तो पता चल जाता था सर। सुनील राजवी का क्या है? उसका क्या है सर, हमको कैसे पता होगा? हाँ, जान पहचान है हमारी और शौकीन आदमी है, लेके जाते हैं उसको अलग अलग कोठे पे। बाकी अगर वो कुछ किया होगा तो सर हमको पता नहीं है। अब बताइए तो सही, किसने बोला हमारे बारे में ऐसा? किसने भी बोला है, साफ साफ बोला है कि तू उन लड़कियों से मिला था, दुर्गा और बरखा, और अब तो ये भी पता चला है कि अवंतिका। झूठ बोल रहे हैं आप, आपके कान भरे उस मुकेश ने, हमें पता है। मतलब तू ये भी जानता है कि हमें कैसे पता चला होगा? मुकेश झूठ बोल रहा है साहब, अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। अब वो आके हमसे बोल रहा था कि उसने 20 फरवरी को अवंतिका को देखा था गांव के रास्ते से चलकर अंदर जाते हुए। वो तो कुछ भी बोलता है, हमें तो उसी पे शक है कि उसने कुछ किया है। गांव के अंदर कोई भी लड़की नहीं गई होगी, उसने बाहरी बार सब कुछ किया है उस लोकेश के साथ मिलकर। मुकेश ने अवंतिका को भी देखा था? हाँ, हमसे कह रहा था कि उसने देखा है। अब हमसे काहे कह रहा था ये हमें नहीं पता। ये सुनील बाबू है ना मैडम, उल्टा हमको फंसा रहे हैं। हमको तो उन पे ही शक है, कहे से उनकी नीयत और फितरत बिल्कुल ठीक नहीं है, सब जानते हैं, खुद उनके पिता भी जानते हैं, लेकिन सब डरते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। सरपंच का बेटा है सर सुनील, और बहुत ही रंगीला मिजाज है, कुछ बहुत ही गलत हुआ इन बच्चियों के साथ। अगर सुनील ने कुछ गलत किया है तो लड़कियां ऐसे कैसे, कहां गायब किया उसने? सत्ता का जोर है सर, आई एम श्योर इस सुनील की किसी ना किसी ने मदद जरूर की होगी। ये सुनील के साथ जितने भी लोग टिम्बर बाट में काम करते हैं, मैं सभी को लेकर आता हूँ, और गीता उस चाय वाले मुकेश को लेकर आ रही है। सर मुझे तो ये मुकेश भी गड़बड़ी लग रहा है। ठीक है, मैं सरपंच से बात करता हूँ, कहीं वो अपने बेटे को बचा तो नहीं रहा? अगर हमारे बेटे सुनील ने कुछ भी गलत किया है तो हम आपसे
और पूरे गांव से वादा करते हैं कि हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरपंच जी, क्या आपको ये पता था कि ये सब सुनील ने? अनिल, हमें नहीं पता। गांव में इस तरह तरह की बातें हो रही है सरपंच जी। जो लोग सुनील को जानते हैं सब अब खुलकर बातें कर रहे हैं। अगर पुलिस वालों को उसके खिलाफ कुछ भी मिलता है तो हम पुलिस वालों से कह देंगे उसे गोली मार दो। आप खुद यकीन से कह सकते हैं कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। राधा, हमें नहीं पता, लेकिन सुनील हमारा बेटा है। हमें यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। साहब, सुनील भाई के चक्कर में हमको कहां अंदर कर रहे हैं? सुनील क्या काम करता है ना तू? बहुत कुछ पूछना, चल गाड़ी में। अगर तुम्हें शक था कि सुनील ऐसा कुछ कर सकता है तो उसी समय क्यों नहीं बताया हमें? मैडम, हमको पक्का पता नहीं था, सिर्फ शक था। हमने वो किराने वाले अमित जुगल से भी बात की। अमित कह रहा था उसने भी लड़कियों को उसके दुकान के सामने से गुजरते हुए नहीं देखा, तो हमें लगा कि सड़क पर कोई मिला होगा उन लड़कियों से। और वो सुनील था? ये सुनील बहुत रंगीन मिजाज आदमी है मैडम, सब जानते हैं। सब खुसुर फुसुर कर रहे थे जब दुर्गा गायब हुई थी। खुद सरपंच जी ने कई बार पीटा है उसको इसकी हरकतों के लिए। तुम सुनील का नाम लेकर लोकेश को बचा रहे हो? खास दोस्त है ना वो तुम्हारा, कमीशन मिलता होगा तुम्हें। काहे उल्टी सीधी बातें कर रही मैडम, हम काहे बचाएंगे लोकेश को? फिर चाहे दोस्त हो या दुश्मन, लड़कियां गायब हुई हैं। और आप लोगों ने भी कितना कच्चा चिट्ठा निकाला लोकेश का, कुछ मिला आप लोगों को? अगर हमारे बेटे सुनील के खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाए तो उसके साथ साथ आप हमें भी गोली मार दीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई सबूत नहीं मिलेगा? क्या सुनील ने ये कबूल किया है कि उसी ने लड़कियों के साथ कुछ किया है? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। कोई भी अपराधी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। अगर उसने जुर्म किया है और ये साबित हो जाए कि हमने सच्चाई छुपाने में कोई भी मदद की है, तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए, फिर आप हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। सच्चाई छिपाने में, इसका क्या मतलब है? क्या है सच्चाई? क्या दुर्गा, बरखा और अवंतिका एक ही हादसे का शिकार हुई है? अपने बेटे की इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से हमें भी उस पर शक हुआ, लेकिन जब भी हमने उसे सख्ती से पूछताछ की उसने यही कहा कि उसने कुछ नहीं किया है। अब उसे बेकसूर साबित करने के लिए हमें कुछ नहीं कहना है और ना ही उसके संदिग्ध होने पर। साहब, काम तो हम सुनील भाई के टिम्बर मार्ट में ही करते हैं, लेकिन अब वो ऐसा कुछ करेंगे हमें ऐसे कैसे पता चलेगा? और साहब, हमने तो जब भी इन लड़कियों के बारे में कोई सुनी सुनाई बात उन्हें बताई है, उल्टा हमें ही डांट दिया है। क्यों डांट दिए? आप बोलते हैं ऐसी अफवाह फैलाओगे तो गांव से निकाल देंगे। हम ठहरे मजदूर आदमी, सुनील भाई जैसे बड़े आदमी क्या करते हैं हमें कैसे पता ना। हाँ, वो सहराबाद के कोठों पर जाते हैं, बस इतना पता है हमें, बाकी कुछ नहीं पता साहब। नहीं साहब, उन लड़कियों के जाने के बाद हमने किसी को नहीं देखा गांव की तरफ जाते हुए, ना ही किसी को पैदल चढ़ के जाते हुए देखा, ना ही किसी को बाइक पे जाते हुए नहीं देखा। तो किसी को बाहर आते हुए देखा तो सब देखता है साहब। जो देखते हैं वो बता देते हैं सामने से, अब जो नहीं देखते वो कैसे बताएंगे साहब? किसको बचा रहा है मुकेश? सरपंच के बेटे सुनील को? तीन लड़कियां मुकेश, तीन तीन लड़कियां। अगर तू बचा रहा है ना सुनील राजवी को, तो इतना ध्यान रख, तू भी बुरा फंसेगा, इतने चार्जेस लगेंगे ना। कसम से साहब, हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। तीनों लड़कियां एक ही तरीके से इसी सुनसान रास्ते से गायब।
बिना शोर मचाए, बिना कोई संदेह पैदा किए तीनों लड़कियां कैसे गायब हो सकती हैं? जाहिर सी बात है, कोई जानने वाला होगा, और सुनील को सभी जानते हैं, और सुनील के पास बाइक भी है। सिर्फ एक ही बस है जो दोपहर 1:45 बजे स्कूल के पास से विलासपुर गांव की तरफ चलती है। अक्टूबर 2016 में दुर्गा, फरवरी 2019 में अवंतिका, और अब सितंबर 2019 में बरखा। बरखा और दुर्गा दोनों की बस छूट गई थी, ये हम सब जानते हैं, और पूरी संभावना है कि अवंतिका की भी बस छूट गई होगी। मुकेश चायवाला पूरे विश्वास के साथ ही कह रहा है कि उसने अवंतिका को 20 फरवरी को गांव की ओर जाते हुए देखा था। वो जरूर गई होगी। इन तीनों लड़कियों के साथ यही हुआ होगा कि इन्हें कोई जानने वाला मिला, और वो जानने वाला कोई और नहीं, सुनील है। उसने इन्हें बाइक पर लिफ्ट ऑफर की, और क्योंकि लड़कियां सुनील को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो बिना शक सुनील के साथ बाइक पर बैठ गई होगी। बात पर कोई शक नहीं है कि इन तीनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया होगा। हमारा संदिग्ध यहां से आया होगा। चाय की दुकान के बाद ये इस रास्ते का सबसे पहला कट है, और यहां से थोड़ी दूर अगर आगे जाए तो बाएं और दूसरा। तुम अगर जल्दी और पहले पहुंच जाओगे, जल्दी से पीछे बैठ जाओ, और लड़कियां बिना शक किए पीछे बैठ गई होंगी। ठीक ऐसा ही हुआ था ना सुनील? और ये दूसरा कट है। उन लड़कियों को किसी बहाने से इस कट से गांव से दूर ले गया होगा। भैया ये कहां से ले जा रहे हो? घर तो उधर है। ये आप हमको कहां ले जा रहे हैं? ये कहां मुड़ गए? गांव तो पीछे रह गया। सर मैं यहां तक आई थी, बरखा को कुछ पता नहीं चला था और ना ही उसकी कोई चीज मिली। मैंने इंस्पेक्टर भूपेन से भी बात की थी, जब दुर्गा गायब हुई थी तो वो लोग भी आए थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला था। उन्हें यहीं कहीं जमीन में दफन किया होगा। कहां दफन किया उन बच्चियों को तूने? और इन सब जुर्म में तेरे पिताजी ने भी तेरा साथ दिया है ना? हमारी नहीं, लेकिन हमारे बाबूजी की बहुत प्रतिष्ठा है पूरे गांव में। तो इस बात की चिड़ है तुझे? नहीं, इस बात की चिड़ है कि हम कोठे पे जाते हैं तो सारे इल्जाम ना आप लोग हम पे लगा दो। दुर्गा, बरखा, अवंतिका, किसी के साथ हमने कुछ नहीं किया है, और किसी को कहीं नहीं दफनाया है। तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा होने का इंतजार है मुझे। हाँ जीतू, कुछ मिला क्या? आप बता रहे थे कि दुष्कर्म का मामला हो सकता है। पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा है, पहले बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। सर हो सकता है कि गांव का ही कोई बंदा हो जिसका ऐसा पुराना रिकॉर्ड रहा हो, जिसने पहले ऐसा कभी किया हो। फिलहाल तो गांव के सरपंच का बेटा सुनील हमारी कस्टडी में है, और इस वक्त हमें उसके ऊपर सबसे ज्यादा शक है। लेकिन कोई और है साहब जिसके ऊपर बलात्कार और हत्या का संगीन आरोप है, 1 साल से ऊपर जेल में सजा काट चुका है, इसकी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, मुकदमा भी चल रहा है इसके ऊपर। कौन है वो? विलासपुर का ही है क्या? बैरीखेड़ा गांव की रूपा मोदक के साथ साल 2017 में दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया था, और इस घटना के 1 साल पहले दुर्गा गायब हुई थी। रूपा मोदक बलात्कार और हत्या केस का गुनहगार, और दुर्गा, अवंतिका और बरखा के केसेस का गुनहगार एक ही था। हाँ सर, विलासपुर का ही है। हमको तो यह समझ में नहीं आ रहा कि यह रिकॉर्ड अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आया। नाम क्या जीतू उसका? अर्जुन।
अर्जुन धीमरा। ये बैरीखेड़ा से अरेस्ट हुआ था रूपा मोदक के बलात्कार और हत्या के आरोप। हाँ भजन, सुनील ने कन्फेस किया? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन एक नई लीड मिली है, अर्जुन धीमरा। अर्जुन धीमरा? जी सर, बिल्कुल वही पैटर्न है। मुझे जानकारी मिली है कि अभी बेल पर बाहर है सर। बैरीखेड़ा में उसके ऊपर रेप और मर्डर के आरोप लगे हैं और वहाँ की लोकल पुलिस ने कन्फर्म भी किया सर। उसका केस अभी ट्रायल पर आना बाकी है, इसीलिए वो बेल पर बाहर है। हाँ सर, हमने अर्जुन धीमरा को अरेस्ट किया, हमने उसके पास से रूपा मोदक के मोबाइल को बरामद किया, हमने रूपा के फोन को IMEI ट्रैकिंग पर डाल दिया। जैसे ही अर्जुन ने उसमें अपना सिम कार्ड डाला, हमने तुरंत लोकेशन को ट्रेस कर। और चार्जशीट फाइल हो गई? यस सर, जब रूपा मोदक खेत से अपने घर वापस जा रही थी तब उसने उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। पता नहीं साहब, उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, जो मन में आया वो कर दिया। घर छोड़ दें, हम उधर ही जा रहे हैं। भैया छोड़ देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। प्लान करके गया था तो उसके साथ ऐसा करेगा? मैंने उसको अकेले देखा, उसको अकेले देख के हमारा मन कर गया। हम उसे घटना स्थल पर लेके गए, उसकी रिकॉर्डिंग की। वो बिल्कुल हमें उसी जगह पर लेके गया जहाँ रूपा की लाश पड़ी हुई। और वो बेल पे बाहर आ गया? मेरे पास जो टेबल पर रिपोर्ट पड़ी है उसमें यही लिखा है, वो दिसंबर 2018 से बेल पर बाहर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रायल की डेट आनी बाकी। देखिए, अभी हमें सिर्फ लीड मिली है, हम यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते, हम उससे पूछताछ करेंगे। ये अर्जुन धीमरा और उसका परिवार हमारे साथ ही काम करते थे, फिर वो और उसका परिवार 2017 में बैरीखेड़ा चले गए। हमें तो बिल्कुल पता नहीं था कि अरविंद जी, हम उससे निकलवा लेंगे, चूक तो कई जगह पर हुई है, पहले हम उससे सवाल करेंगे। पर आप तो बोल रहे थे कि रूपा मोदक बैरीखेड़ा में मिली थी, पर हमारी बचिया कहाँ है? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, पहले अर्जुन से तफ्तीश करेंगे, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, उससे पूछताछ करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। अर्जुन धीमरा को तोड़ने में इस केस की जांच कर रही पुलिस टीम को ज्यादा वक्त नहीं लगा और पुलिस के सामने उसने अपने द्वारा किए गए सारे जुर्म कबूल कर लिए। दरिंदगी की हद पार कर देने वाले जिन अपराधों को अर्जुन ने अंजाम दिया था और उसके बाद जो खुलासा उसने किया वो बेहद ही चौंका देने वाला था। ये तीनों 2016 में दुर्गा और इस साल अवंतिका और बरखा। सवाल पूछा है अर्जुन, ये तीनों लड़कियां बस छूट गए क्या? हाँ भैया। चलो हम उधर जा रहे हैं, तुमको भी छोड़ देंगे। भैया ये कहाँ से ले जा रहे हो? घर तो उधर रखे। दो मिनट बंदी का, बस दो मिनट का काम है खेतों में, बस दो मिनट बरखा, दो मिनट का काम है खेतों में। दुर्गा, अवंतिका और बरखा की हत्या करने के बाद अर्जुन ने जो उनके मृत शरीर के साथ किया वो बेहद चौंका देने वाला खुलासा था। बच्चियों को मारने के बाद कहां दफन किया तूने? कुएं के अंदर। कुएं के अंदर? हाँ। कुएं के अंदर?
उन लड़कियों के साथ हमने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया। हम आपके जैसे अच्छे इंसान नहीं, लेकिन इतने भी घटिया नहीं है कि ऐसे नीच हरकत करेंगे। मन करता था बच्चियों के साथ, दुर्गा करिया, अवंतिका चुरी और बरखा रेवाड़ी के माता पिता वो खौफनाक मंजर नहीं देख पाए जब उनकी बच्चियों के शरीर के अवशेष को मिट्टी के अंदर से खोदकर निकाला जा रहा था। अर्जुन धीमरा को आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म के लिए, धारा 302 हत्या के लिए और पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत बुक किया गया। बिलासपुर गांव की इन बच्चियों के साथ हुए इस भयानक और झकझोड़ कर रख देने वाले हादसे से पूरा गांव हैरान था कि इन बच्चियों के साथ जिस विकृत इंसान ने यह दुष्कर्म किया है वो उन्हीं के बीच में उनके ही गांव में रहता था। दुर्गा करिया, बरखा रेवाड़ी और अवंतिका चुरी के अवशेषों से मिले डीएनए उनके माता पिता के डीएनए से मैच किए गए और यह साबित हुआ कि यही वो तीन लड़कियां थीं जो 3 साल की अवधि में गायब हुई थी। आखिरकार लड़कियों के लापता होने का केस सुलझ गया, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी सामने आया कि अगर 2016 में दुर्गा करिया के लापता होने के मामले में पुलिस ने ज्यादा अच्छी तरह से जांच पड़ताल की होती, अपना काम बखूबी निभाया होता, तो शायद दुर्गा करिया का केस सॉल्व हो जाता। और इस तरह 2017 में बैरीखेड़ा की रूपा मोदक, फरवरी 2019 में अवंतिका चूरी और सितंबर 2019 में बरखा रेवाड़ी की इन घटनाओं पर पहले से ही अंकुश लग गया होता। एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महिलाओं और बच्चों के साथ हुए आपराधिक मामलों के संदिग्ध अपराधियों को क्या इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो ऐसे बाहर बेखौफ घूमते रहें? इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज को मानसिक रूप से बीमार इन अपराधियों से बचाया जा सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।